हेलो गाइस, तो आ चुके अपने का फिर से नए GTA 5 के वीडियो में। गाइस आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यार अपना माइकल पुलिस वाला बन चुका था और गाइस उसको एक हॉट लेडी पुलिस ऑफिसर मिल चुकी थी, जिसके साथ गाइस यार माइकल ने दोस्ती कर ली थी। अब गाइस यार इसको देखते ही देखते अपने फ्रैंकलिन ने भी गाइस डिसीजन लिया कि वो भी एक पुलिस वाला बनेगा और गाइस उसने भी यार पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है। तो गाइस आज अपने फ्रैंकलिन की यार जॉब का पहला दिन है, तो चलो गाइस अपन लोग यार माइकल को फोन करते हैं, बिकॉज यार वो थोड़ा सा पुराना है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो शायद यार गाइस वो अपनी थोड़ी सी हेल्प कर पाए। तो मैं अपना फोन निकालता हूँ और यार माइकल को मैं फटाफट फोन मिलाता हूँ कि यार मुझे कहाँ पर मिलेगा माइकल, तेरा नंबर किधर है ब्रो? ओ भाई भाई, माइकल का नंबर नहीं मेरे फोन में यार, गाइस कैसे पॉसिबल है भाई? और मैं डर गया भाई, माइकल का नंबर कहाँ चला गया? अबे ये क्या आ रहा भाई? चलो ठीक है, फोन लग गया, माइकल फोन उठा ले साले। अरे यार गाइस यार देख पारो यार, माइकल गाइस थोड़ा सा मेरे को व्यस्त लग रहा है और वो सही से हमसे बात भी नहीं कर रहा है। तो गाइस क्यों ना यार अपन लोग फ्रैंकलिन के साथ गाइस अपन चलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट और देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन बन रहा है। और गाइस मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट ने ये कार भी दी है स्पेशल वाली, बिकॉज गाइस आपको पता है यार फ्रैंकलिन एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला है। और गाइस अपन लोग चलते हैं अपनी पुलिस की लंबारी में। ओए होए होए भाई, ये तो उड़ रही है यार एकदम हवा में, देख रहे हो गाइस? ओए तेरी की भाई साहब, क्या चल रही है? और गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चॉप मेरे पीछे पीछे आ रहा है? लेकिन चॉप गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी के बराबर ही नहीं कर सकता है, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। यार भाई साहब क्या चल रही है यार, गाइस तो ऑलरेडी मतलब पहले गियर में ही भाई लगभग 200 टच कर जा रही है यार। ओ भाई साहब खतरनाक चल रही है, देख रहे हो गाइस तुम लोग यार? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, गाइस हमको फटाफट पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो गाइस यार मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जॉब के पहले ही दिन में लेट हो जाऊं। तो गाइस अपन लोग ऑलमोस्ट अपने पुलिस डिपार्टमेंट के पास में पहुंच चुके हैं और मैं अपनी गाड़ी को गाइस फटाफट पार्क कर देता हूं साइड में। चलो भाई चलो, तो यार ये ट्रैफिक कितना हो रहा है भाई डिपार्टमेंट के इधर। ऑलराइट, सो गाइस यार मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और गाइस मैं एक बार और यार माइकल को फोन ट्राई करता हूं, शायद गाइस इस बार वो हमारा कॉल पिक कर ले और हमसे मिल ले। यार माइकल भाई इस बार तो फोन उठा ले यार, भाई तेरे से मिलना चाहता हूँ ब्रो, तू सीनियर है यार डिपार्टमेंट में, तू भाई मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है बिल्कुल ही। चल भाई माइकल उठा ले उठा ले उठा ले। ओ भाई काट दिया गाइस, देख पा रो यार माइकल गाइस इतना ज्यादा बिजी हो गया था, फ्रैंकलिन का फोन काट रहा है यार। मैं काम करता हूँ गाइस, मैं थोड़ा सा पार्किंग में देख के आता हूँ कि यार अपना क्या माहौल है, क्या सीन चल रहा है। ऑफिसर साहब, हेलो ऑफिसर अंकल, आज मेरा पहला दिन है, इनको तो भाई सुट्टा खींचने की फुर्सत नहीं है भाई, गाड़ियाँ तो बड़ी तगड़ी तगड़ी रखी हुई इन्होंने यार। ओए होए 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 भाई साहब, गजब 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 गाइस, देख पा रहे हो क्या शानदार पुलिस कार थे इनके पास यार। और ये क्या, एक सेकंड भाई, माइकल की गाइस कार तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे पड़ी हुई, देखो मैं तुमको पास से दिखाता हूँ यार, माइकल की गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई। और गाइस माइकल मेरा फोन काट रहा है, मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रहा है कि गाइस वो पुलिस डिपार्टमेंट में है ही नहीं अभी, मतलब कहीं पर वो बाहर है। ओ भाई ये माइकल गाइस इतना ज़्यादा झूठा निकला, मैं गाइस एक काम करता हूँ फटाफट अंदर डिपार्टमेंट में जाता हूँ और उस माइकल के बच्चे को देख के आता हूँ मैं। गाइस यार ये माइकल तो बड़ा ही यार धोखेबाज निकला भाई, मैंने सोचा ये मेरा दोस्त होगा मेरे से मिलेगा, लेकिन भाई ये यहाँ पे है नहीं यार। हेलो आंटी जी, माइकल है क्या? तुम तो भाई जवाब ही मत दो, तुम भाई खड़े रहो मूर्ति की तरह। जरा देखता हूँ गाइस, क्या पता यार माइकल अंदर हो, नीचे कुछ कैदियों की पिटाई विटाई कर रहा हूँ। माइकल चाचा थोड़े से सीनियर ऑफिसर है गाइस, तुमको पता ही है, देखो मैडम खड़ी हुई है इधर। भाई आजकल मैडम कुछ ज़्यादा हो गई डिपार्टमेंट, और सुनने में आ गया इधर माइकल ने भी एक मैडम के साथ बड़ी फ्रेंडशिप कर ली है। भाई लॉकर तो आज सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी माइकल नहीं है भाई, माइकल है किधर यार? गाइस मेरे को पूरा का पूरा डिपार्टमेंट खोजना पड़ेगा। माइकल माइकल किधर हो भाई? माइकल अंदर तो नहीं है माइकल कहीं? नहीं भाई अंदर भी नहीं है यार। ये डॉक्टर हाथी से पूछो कि माइकल किधर है। अरे डॉक्टर हाथी, क्या आपने मेरे मित्र माइकल को देखा है? अरे बेटे माइकल वही ना जिम्मी का पापा, उसको देखा था यार, वो शायद कहीं पर वो नीचे की तरफ गया, तुम जाके देख लो उसको। चलो ठीक है गाइस, देख पा रहे हो यार डॉक्टर हाथी कितने बढ़िया आदमी है, डॉक्टर हाथी ने मुझे बताया गाइस वो अपने को वहां पे मिलेंगे नीचे की तरफ। तो चलो गाइस अपन लोग फटाफट चलते हैं नीचे और देख के आते हैं कि यार क्या माइकल अंकल अपने को नीचे मिलेंगे या नहीं। और यार गाइस अपन लोग नीचे आ चुके हैं और अपने को देखना है कि यार क्या अपने को यहाँ पर माइकल अंकल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं गाइस सारे के सारे एक एक कोना छान लेता हूँ, क्योंकि यार मच्छर कहीं पे भी हो सकते हैं, माइकल अंकल फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है।
और अगर डॉक्टर हाथी ने झूठ बोला तो भाई मैं बहुत बुरा मारने वाला हूँ। भाई डॉक्टर हाथी को आज तुम लोग जानते नहीं मेरा गुस्सा। जरा देखो यहाँ पे तो कोई नहीं है भाई, यहाँ पर वो भाई साहब गाइस क्या देख रहा हूँ गाइस, माइकल अंकल भाई साहब सारे मेरा फोन काट के ये सब कर रहे हैं। ओ भाई साहब मतलब यार माइकल अंकल ही गाइस एकदम वो खबर एकदम सही थी कि उनको लड़की दोस्त मिल गई है और गाइस अपने फ्रैंकलिन ने उनको पकड़ लिया यार। इसकी तो गाइस माइकल की एक फोटो लेनी बनती है भाई, ये तो दिखाऊंगा मैं सबको डिपार्टमेंट में। फोटो लेकर के भाई माइकल की तो मैं 12 बजाऊंगा भाई, मेरा फोन काट रहा है ना इसकी, ठहर जाओ माइकल की तो मैं साइड धीरे से फोटो लेता हूँ। अबे रुक जा रुक जा रुक जा, एंगल सही नहीं बैठ रहा, यहाँ से लूंगा। हाँ बहुत बढ़िया माइकल तू कर कर कर, माइकल तू कर, तेरे सारे मैं फोटो खींच रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया माइकल, एक फोटो और खींचा दे बढ़िया सा, एक फोटो और। आए हाय हाय मजा आ गया माइकल, मजा आ गया, बहुत बढ़िया गाइस देख पा रहे हो यार क्या शानदार फोटो आया माइकल का। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा है गाइस मैंने माइकल और इस लड़की ऑफिसर की गाइस मैंने फोटोज खींच ली और गाइस अब मैं इसको आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन गाइस मेरे को यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि गाइस यार माइकल भाई एक लड़की के लिए अपने यार बेस्ट फ्रेंड फ्रैंकलिन को गाइस धोखा दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार इस लड़की को और मैं माइकल को गाइस आज मैं जला ही दूँ, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तो ये लो तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी पकड़ो बे माइकल, पकड़ साले दोस्ती में धोखा करता है, ये पकड़। और गाइस मेरे पीछे पुलिस भी लग चुकी है, मेरे को भाई साहब अपने बच्चों का नहीं। लेकिन तुम सारे दोस्ती के नाम पे धब्बा हो, दोस्ती के नाम पे धब्बा हो, तुम लोग दोस्ती के नाम पे धब्बा हो। साले फ्रैंकलिन ने तेरे को दोस्त माना था और तूने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। अब मुझे गाइस यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे गाइस सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स लग चुके हैं और भाई वो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ेंगे कभी भी। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे गाइस पीछे 3 स्टार की पुलिस लग चुकी है और भाई ये पकड़ तेरी ऐसी की तैसी, अरे अरे ये पकड़ तू भी ले सारे, तू भी ले तेरी ऐसी की तैसी। भाई गाइस मेरे पास ज़्यादा गन्स है भी नहीं, मुझे गाइस यहाँ से फटाफट भागना पड़ेगा अपनी लंबारी लेके, इसके पहले जो गाइस पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आ जाए। मैं फटाफट अपनी लंबारी के अंदर बैठ जाता हूँ, बैठ फ्रैंकलिन बैठ भाई, तेरे को सारे टकले ये ले, ये पकड़ तू तू भी पकड़। तो गाइस मेरे को फटाफट यहाँ से एस्केप होना पड़ेगा क्योंकि गाइस मैंने यार माइकल और उस लेडी पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया है और गाइस मेरे को फटाफट यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो गाइस ये लोग मेरे को पकड़ के बहुत ही मेरी बुरी हालत करने वाले हैं। और अपने फ्रैंकलिन को गाइस यहाँ से एस्केप करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो गाइस आज अपनी 12 बज जानी है। और गाइस आज अपना जॉब पे पहला दिन आखिरी दिन हो गया और भाई अपनी लंबहारी को गाइस क्या टक्कर मारी इसने, तुम लोग देख पा रहे हो। फटाफट फ्रैंकलिन भागना होगा हमको यहाँ से, नहीं तो यार ये पुलिस वाले अपने को छोड़ेंगे नहीं। गाइस ऑलरेडी अपने ऊपर 3 स्टार की पुलिस लग चुकी है यार, और 3 स्टार की पुलिस गाइस कोई मजाक नहीं होती, लेकिन ये सिविलियंस भाई ये मेरे को जाने नहीं देंगे। पता नहीं क्यों यार ये क्यों मेरी लाइफ इतनी हार्ड बना रहे हैं। अबे भाग जा भाई क्या कर रहा है, भाग 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 भाग, अबे हटो भाई तुम क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से ब्रो, हट जाओ मेरे को जाने दो भाई, मेरे को जाने दो। एक काम करता हूँ गाइस यहाँ से मैं क्या पैराशूट लेके मैं कूद सकता हूँ क्या, नहीं यार बट पॉसिबल नहीं होगा यहाँ से मेरे लिए। और गाइस पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ चुका है मेरे को पकड़ने के लिए यार, और मैं गाइस मैंने गलती इतनी बड़ी कर दी कि मैं पुलिस की लैम्बोर्गिनी लेकर के आ गया यार। अबे नहीं हट जा अबे टाटा सफारी तेरी ऐसी की तेरी साइड में, हट जा भाई तू क्या कर रहा है, मुझे गाइस फटाफट यहाँ से भागना पड़ेगा यार, ये पुलिस वाले मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। और एक तो ये स्टार भी गायब नहीं हो रहे हैं पुलिस के यार मेरे ऊपर से पता नहीं क्यों। लेकिन गाइस बस मेरे को भागते जाना है और मेरी गाड़ी अलग ठुक गई भाई, मैं क्या करूँ। चल फ्रैंकलिन पुलिस के हाथ में आ रहा है। गाइस आपको क्या लगता है मुझे अपनी वो सीक्रेट अपार्टमेंट वाली ट्रिक अपनानी चाहिए जहाँ पे मैं हर बार गाइस में छुप जाता हूँ जब भी कोई पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि शायद मैं उस अपार्टमेंट के अंदर गाइस में छुप पाऊँ और अपने आप को सेफ कर दूँ। चलो अपन लोग चलते हैं फटाफट, या तो एक काम करता हूँ मैं अपनी लाइफ का रिस्क लेता हूँ और यहाँ से कूद जाता हूँ भाई। ये नहीं लैम्बोर्गिनी टूट जाएगी भाई, बहुत कमज़ोर होती है लैम्बोर्गिनी यार। बहुत सही भाग फ्रैंकलिन भाग, वरना अगर ये पुलिस वालों के हाथ तो छोड़ गया भाई पूरी खत्म हो गई लैम्बोर्गिनी गाइस देख पा रहे हो।
ये गाइस खाली बस दिखाने की है लैम्बोर्गिनी यार, ये है कुछ भी नहीं, ये बहुत ही कमजोर है। ओके गाइस मैं यहाँ पे छुप सकता हूँ यार, फटाफट फटाफट उनके आने से पहले मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। ये बहुत ही सही जगह लग रही है मेरे को, अंदर चला जाता हूँ फटाफट। तो गाइस आई होप मैं यहाँ पे अपने आप को सेफ रख सकूँ। और गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जैसे ही मैं अंदर आया गाइस पुलिस के स्टार्स गायब होना चालू हो गए। मैं गाइस यहाँ पे छुप जाता हूँ और इंतजार करता हूँ कि पुलिस यहाँ से चली जाए। तो गाइस आपने देखा कि यार मैंने थोड़ी देर गाइस यहाँ पर वेट किया और पुलिस वाले चले गए फाइनली। और गाइस यार आज के एपिसोड में आपने देखा कि यार कि अपना फ्रैंकलिन आज पुलिस वाला बना ही था पहले दिन, और उसने सोचा है गाइस यार वो अपने फ्रेंड से मिलने जाएगा माइकल से, लेकिन गाइस यार माइकल को तो उस लड़की से फुर्सत नहीं थी। तो गाइस अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यार क्या फ्रैंकलिन ने माइकल को मार के ठीक किया या नहीं किया, बिकॉज गाइस आपको क्या लगता है लड़की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दोस्ती, ये चीज़ गाइस आप मुझे कमेंट में बताना जरूर। जो यार चैनल पे नए हो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलूंगा मैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।